नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चिकित्सा शिविर का हुआ रामगढ़ में आयोजन। मरीजों की जांच कर निशुल्क दवा वितरण की गई। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया नुक्कड़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। रामगढ़ अलवर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन रखा जा रहा है। विधानसभा स्तर पर 18 सितंबर रविवार को भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक डॉक्टर पूर्व सहायक चिकित्सक नानक चंद जैन के सानिध्य में जैन धर्मशाला जैन मंदिर रामगढ़ में आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच एवं दवाई निःशुल्क दी जाएगी। चिकित्सा शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी विष्णु चेतानी, जिला महामंत्री रामावतार चौधरी, राजकुमार तीर्थानी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना थे। सर्वप्रथम रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष कृष्ण सैनी, जिला परिषद गगनदीप, समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी MPS पंचायत समिति सदस्य, पार्षदगण, समस्त पूर्व मंडल अध्यक्ष, समस्त शक्ति केंद्र प्रभारी, समस्त शक्ति केंद्र संयोजक, समस्त बूथ अध्यक्ष एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अतिथियों का माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर में आए हुए मरीजों की जांच के बाद उन्हें निःशुल्क दवा वितरण की गई तथा जलपान की व्यवस्था भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। इस मौके पर रामगढ़ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश खंडेलवाल, मनीष गर्ग, मोनू शर्मा, रामगढ़ युवा मोर्चा अध्यक्ष किशन सैनी, सोशल मीडिया जिला प्रभारी दिनेश चौहान, मोनू शर्मा चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष नानक चंद जैन, रामगढ़ भाजपा वरिष्ठ नेता जवाहरलाल तनेजा, कृष्ण यादव, पूर्व सरपंच खिलोरा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तुलसीराम सैनी इत्यादि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। शिविर कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र चौधरी, सह संयोजक नवीन यादव, भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ मौजूद रहे। जैन मंदिर रामगढ़ विधानसभा में आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर जो सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में सेवा के रूप में कैंप लगा करके, रक्तदान करके, सेवा करके, स्वच्छता अभियान चला करके और दिव्यांगों को उपकरण बांट करके जिस तरह सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन को जोड़ करके पूरे देश में सेवा अटल भाव से नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन पर जो गायों माता का सेवा करके जब ही जिस तरह की स्वच्छता अभियान चला करके पूरे देश में सेवा से काम किए जा रहे हैं, उसी के तहत आज रामगढ़ विधानसभा में जैन मंदिर पर चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह की सेवा भाव से डॉक्टर साहब आए हैं, सभी का स्वच्छ परीक्षण चल रहा है, उसी के तहत हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित होकर के आम जन के स्वास्थ्य की जांच करा करके उनको दवाई और उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है, उसी के तहत यहाँ सब उपस्थित हैं। बहुत अच्छा सेवा करते अच्छा महसूस हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह है। नरेंद्र भाई मोदी के जन्म उत्सव पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है पूरे देश में बड़े भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कल हमारे रामगढ़ में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया और आज 18 तारीख को जैन समाज धर्मशाला रामगढ़ में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जिले के प्रभारी विष्णु जी चेतानी जी पधारे और हमारे जिला महामंत्री रामदास जी चौधरी, राजकुमार जी देखानी, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आमजन के स्वास्थ्य के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, उनको दवाएं दी जा रही हैं। आज रामगढ़ जैन धर्मशाला में यशस्वी प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिवस पर साप्ताहिक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज युवा मोर्चा रामगढ़ के द्वारा
प्रधानमंत्री जी के लिए हमने और आम जन के लिए हमने आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और मैं आज बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इस सेवा सप्ताह पखवाड़े के तहत ही आज दूसरे दिन मेरा जन्मदिन है। मोदी जी के कल के जन्मदिन के बाद मेरा जन्मदिन आता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज सेवा सप्ताह एक पखवाड़े में जुड़कर और लोगों की सेवा भावना करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप में गर्वान महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद।